गाइस आपको मैंने बताया था बैंगन का भरता बन रहा है, चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेकती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसको, तो ये गरम मसाला डल रहा है अब, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पूरा जो हमने का जो है ना कि मिनट के लिए इसको स्टीम पे रखा था, ठीक है। अब ये पूरा रेडी हो चुका है, इसके ऊपर अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज बड़ी सिस्टर बना रही है बैंगन का भरता, क्योंकि भरता ये गोश्त वगैरह मंचूरियन पुलाव बिरयानी सब कुछ हो गया, मटन चटन। तो अभी बैंगन का भरता आज बन रहा है, तो आपको उसकी रेसिपी दिखाते हैं कैसे बनता है, और दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। तो चले अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइस आपको मैंने बताया था बैंगन का भरता बन रहा है, तो ये पहले इसको जलाया, जलाने के बाद मतलब इस पे चूल्हे के ऊपर, एक मिनट, चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेक दिया, ठीक है। इसके बाद जो है ना उसको मैश कर लिए, मैश करके ये बन गया, मैश करके इसकी ये बन गया। सही है, इसके मसाला तैयार करेंगे, उसके अंदर डालेंगे मसाला तैयार करेंगे, सिंपल है यार, इतना मुश्किल नहीं। और ये ऑनियन है, इसके अंदर सिर्फ हमने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, कितना किया, सिर्फ वन स्पून, टेबल स्पून, वन टेबल स्पून, ठीक है। अभी इसको क्या है, ये रेड होंगे, थोड़ा सा ब्राउनिश करना है, ज़्यादा रेड नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, लाइट लाइट का करना है, वाटरी टाइप, वाटरी टाइप, ठीक है। वो थोड़ा सा ये गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, मिर्ची ऐड कर देंगे, सही है, नमक, नमक, रेड चिली, अच्छा, और थोड़ा सा गर्म मसाला, काली मिर्च, गर्म मसाला और काली मिर्च। तो जैसे जैसे ऐड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और आज बना रही हैं बड़ी बहन, हमारी बड़ी सिस्टर आ गई है, आज उन्होंने कहा है मैं भरता बनाऊंगी, तो दिखाते हैं आपको बैंगन का भरता कैसे बनता है। ये इसमें हम रेड चिली ऐड करेंगे, रेड चिली डाल रहे हैं, कितनी, वन टेबल स्पून, वन टेबल स्पून, हर जरूरत, इसको जितना भी, अगर आप ज़्यादा तेज खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अच्छा। ये बिल्कुल थोड़ी सी मैं ना इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी बस, ये भी हसबे जरूर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग गलने देंगे, इसके बाद फिर मैं आपको कितने मिनट, जैसे नहीं जी कमेंट्री भी करें, हम इसको जलने देंगे जैसे हमारे रिश्तेदार जलते हैं वैसे ही हम जलने देंगे। Good. तो हम ज्यादा वैसे भी जलाते हैं लोगों को, हाँ। जलो आप जितना जल सकते हो जलो, इसलिए हम प्याज को भी जला रहे हैं, प्याज ही हम जलाएंगे, रिश्तेदारों को जलाएंगे। गुड, चल, ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये गल जाए, गल जाए या गल जाए, गल जाए, गल नहीं जाए, गल जाए, गल जाए, जलने का प्रोसेस इसमें ही करना होता है, जलाने का करना, ओके ओके ओके। टमाटो ऐड कर दिए, दो दो टमाटर, दो टमाटर ऐड किए, और चार से पाँच ग्रीन मिर्च, ग्रीन मिर्चें जो है ना वो ऐड, हरी मिर्चें जिसको हम कहते हैं, हरी मिर्चें ऐड करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, इसको इस तरह मिलाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, और इसको ना थोड़ा सा मिक्स होने देंगे, मिक्स होने देंगे, जब ये थोड़ा सा मसाला गल जाएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैंगन का भरता, बैंगन का भरता, यस यस। तो ये गरम मसाला डल रहा है अब, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, बहुत बस ज़्यादा ही डाल दिया आपने, चले कोई मसला नहीं, गरम मसाला है, थोड़ा निकाल दिया, निकाल लेते हैं, निकाल दिया हमने, निकाल दिया, मसला कोई है, चलो सही है, उतना ही सही, इतना ही सही है, वो लग रहा था कि ज़्यादा डल गया, ज़्यादा नहीं था। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पूरा जो हमने इसका जो है ना बना जला के जो किया था, इसको मैश किया था, अब हम इसके अंदर डाल दें, इसको पूरा हिला देंगे हम लोग। ये देखिए मसाला ज़्यादा होता है भरता, मतलब बैंगन का भरता, ये 1 kg थे बैंगन थे, उसके अंदर 2 टमाटर थे, 4 से 5 चिलीज थी, और बाकी आपने देख ही लिया इसमें क्या क्या मैंने ऐड किया। ये कितनी देर में अभी बनेगा, ये बस 10-15 मिनट लगेंगे इसको, अब हम जो है ना स्टीम में पका लेंगे, ठीक है। अभी स्टीम पे रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा बना। मिनट के लिए इसको स्टीम पे रखा था, ठीक है। अभी ये पूरा रेडी हो चुका है, इसके ऊपर मैंने धनिया जो है ना वो ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर दी, गार्निशिंग, और ये इसका फाइनल लुक है। आप इस पे मत जाइएगा, ये पहले से कढ़ाई नीचे से थोड़ी सी जल गई थी। सो गाइस ये आप देख सकते हैं कैसा बना है भरता, बहुत ज़बरदस्त मुझे भी लग रहा है, और ये रेसिपी आप भी देखना और ट्राई करना, सिस्टर बहुत अच्छा भरता बनाती हैं। सो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं, और रेसिपी आपको सब बता दी, आप भी ट्राई कीजिएगा।
जी तो गाइज आपको दिखाया बैंगन का भरता कैसे बनता है, रेसिपी बताई सिस्टर ने और बहुत मज़े का लग रहा है, अभी खा के देखेंगे कैसा है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर आजमाइएगा अपने घर पे, बहुत इजी है, बहुत बहुत ही ईजी है समझ लो, सही है। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।